Hello students, let's see this question. The question says volume occupied by one molecule of water जिसकी डेंसिटी इतनी दी हुई है, तो आपको वॉल्यूम बताना है, ठीक है? तो देखिए वाटर की डेंसिटी दी है, डेंसिटी क्या होती है आपकी? मास अपॉन वॉल्यूम होता है। अब डेंसिटी की वैल्यू वन दी है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दी है, इसका मतलब मास इज इक्वल टू वॉल्यूम होगा। मतलब 1 ग्राम मास अगर आपने लिया है, 1 ग्राम मास आपने किसका लिया है? ऑफ वॉटर, तो उसके अंदर 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम वो कैरी करेगा, ठीक है? और वाटर का मास कितना होता है? 18 ग्राम होता है, 18 ग्राम पर मोल। मैं बोल देती हूँ, 1 मोल में अगर 18 ग्राम है तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो कितना हो जाएगा? 18 सेंटीमीटर क्यूब पर मोल हो जाएगा। सही बात है। अच्छा, अब एक दूसरी चीज हम क्या जानते हैं कि 1 मोल मैंने अगर H2O ले लिया तो उसके अंदर कितने पार्टिकल्स हैं? एवोगैड्रो पार्टिकल्स हैं, एवोगैड्रो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है? और 1 मोल वाटर के अंदर वेट कितना होता है? 18 ग्राम होता है। और हमें पता है कि 18 ग्राम अगर मैंने वाटर लिया तो उसमें 18 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम होगा। सही बात है। तो अगर मैं 1 मॉलिक्यूल वाटर का ले लूं और पूछूं कि इसमें कितना वॉल्यूम है, तो क्या करूंगे? 18 डिवाइडेड बाय Na तो कर देंगे। Na की वैल्यू होती है 18 डिवाइडेड बाय Na की वैल्यू होती है 6.022 × 10²³। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके अप्रोक्सीमेटली आता है आपका 18 डिवाइडेड बाय 6.022, सो ये आता है 2.98, 2.98 आता है, ये 10²³ हो जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो इसको, अगर आप ऑप्शंस देखो तो सब सेंटीमीटर क्यूब में दे रखे हैं, बस इस वैल्यू को क्या करना है हमें, थोड़ा सा राउंड ऑफ करना है, तो राउंड ऑफ करके 3 आ जाएगा, 3 × 10²³ सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम होगा। तो डी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगा, रेस्ट ऑप्शन वुड बी इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू।